हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी आपका ये जो टॉपिक्स है वो केमिस्ट्री का टॉपिक्स है। केमिस्ट्री का टॉपिक्स ये बेहतरीन टॉपिक्स है, इससे आपका एग्जाम में 100% श्योर की आने की संभावना है। यदि आप ऐसे 11 12 का तैयारी कर रहे हैं या 9 10 में हैं तो पर भी आपका इससे प्रॉब्लम आएगा। और यदि आप इससे कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी क्या होता है स्टूडेंट, उस एग्जाम में भी क्या होगा, ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान देते हैं कि क्या टॉपिक्स है। ठीक है, तो पहला टॉपिक्स है आइसोटोप्स। क्या है आपका आइसोटोप्स? आइसोटोप्स किसको बोलेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले समझते हैं कि आइसोटोप होता है क्या चीज। तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। आइसोटोप तो सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। किसी भी एलिमेंट का यदि एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर आपका सेम हो और आपका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? आइसोटोप बोलेंगे। अब समझने का कोशिश करो, हम एकदम टेक्निक से समझा रहे हैं और ट्रिक से समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, एकदम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। देखो ये क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन का यदि आपका मास नंबर आपका क्या है, वन है, ठीक है। मास नंबर क्या है, वन है, और आपका ये भी क्या है, आपका वन है, ठीक है। ये आपका क्या है, वन, ठीक। अब देखो समझने का कोशिश करो, सेम एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एंड डिफरेंट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। देखो चीजों को समझो, तीन गो पर्सन है, ऐसे करके समझा रहे, तीन गो पर्सन है, ठीक है। या अब देखो ये आपका क्या है, वन है, और ये आपका क्या है, टू है, और ये भी आपका क्या है, ये आपका वन है, और ये आपका क्या है, थ्री है, ठीक है। अब देखो इस छोटुआ का ये वाला पोर्शन क्या है, इक्वल है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, देखो यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी क्या वन है, ठीक है। इसका मतलब छोटुआ का ये नीचे वाला पोर्शन सब बराबर है, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसका सर के ऊपर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मास नंबर। मास कहाँ रखते हैं, अपना सर में रखते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, मास नंबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि मास नंबर, देखो ये वन है, ये आपका टू है, और ये आपका क्या, थ्री है, तो तीनों में क्या है, डिफरेंस है, और एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है, सेम है। इसका मतलब यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर यदि डिफरेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आइसोटोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे, ठीक है। अब देखो समझने का कोशिश करो कि इसको नोटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जब भी हम लोग अल्फाबेट को पढ़ेंगे तो क्या होगा बताओ, ए से शुरू करते हैं, कहां तक जाते हैं बताओ तो, जेड तक जाते हैं। तो इसका मतलब ए पहले लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। तो ए क्या हो गया बता, मास नंबर, और ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो ए से क्या हो गया, मास नंबर, और जेड से क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। नीचे वाले को एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, मास नंबर। सबसे पहले बाबू आई इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब देखो समझने का कोशिश करो। अब देखो जिसका मास क्या है, डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। अब समझो, अब देखो आइसोटोप उसको बोलेंगे जिसका टोपी डिफरेंट। देखो इसका टोपी, टोपी कहाँ लगा था, सर में, तो सबका टोपी क्या डिफरेंट है, इसका वन, इसका टू और इसका थ्री, टोपी नंबर सबका डिफरेंस। समझ में आ रहा बात, क्या बोलना चाह रहे, जिसका टोपी नंबर डिफरेंस, बट आपका क्या है, पैर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन के सबका समान, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। और ऐसे जनरल भाषा में क्या बोलेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। सीधे भाषा में याद रख कि जिसका टोपी डिफरेंट और पैर का मोजा सब समान, समझा, पैर देखो ये पैर है, पैर का मोजा सब समान, इसका भी एक नंबर, इसका भी एक नंबर, इसका भी एक नंबर, इसका मतलब है इस तरह के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है इस तरह के एलिमेंट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आइसोटोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। चलो अब देखो आइसोबार किसको बोलते हैं, अब आइसोबार उसको बोलेंगे कि ये समझो कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखो समझो बात को, ये आपका पर्सन है, ये आपका पर्सन है, ठीक है, ये आपका क्या है, पर्सन है, ठीक, ये आपका पर्सन, ठीक, चलो ठीक। अब देखो ए से कहां तक पढ़ेंगे, जेड तक पढ़ेंगे, ए से जेड तक, ठीक है। अब देखो आइसोबार में क्या होगा, टोपी सबका समान हो जाएगा, टोपी सबका समान हो जाएगा। देखो यहाँ टोपी कितना है, टोपी नंबर इसका भी 40, इसका भी टोपी नंबर कितना 40, और इसका भी टोपी नंबर कितना 40, मतलब जिसका टोपी की संख्या समान,
इसका मतलब है एटॉमिक मास क्या हो गया, समान हो गया, और आपका एटॉमिक मास आपका समान और एटॉमिक नंबर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। देखो ये 18 हो गया, ये आपका 19 हो गया, ये आपका क्या हो गया 20 हो गया। इसका मतलब देखो समझो बात को, पहले क्या हो रहा था टोपी क्या हो रहा था, डिफरेंस हो रहा था, अब टोपी क्या हो गया समान हो गया, और जूता का मोजा इसका मोजा का नंबर नीचे वाला सब क्या हो रहा था समान हो रहा था, इसमें आइसोटोप में, बट यहाँ पर मोजा नंबर क्या हो गया डिफरेंस हो गया, इसका 18 इसका 19 है, इसका क्या 20। तो जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो, सॉरी एटॉमिक मास क्या हो सेम हो और एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंस हो, उसको क्या बोलेंगे आइसोबार बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट आइसोबार बोलेंगे। देखो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, तीनों में क्या है डिफरेंस है, बट मास नंबर क्या है तीनों में क्या है सेम है। जिसका मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंस रहेगा उसी को क्या बोलेंगे आइसोबार बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे आइसोबार बोलेंगे। ठीक है चलो, यहां तक आइसोटोप्स और आइसोबार तो समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर चलते हैं, आइसोट्रॉन किसको बोलते हैं, जिसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, और डिफरेंस एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, मतलब टोपी भी क्या डिफरेंट और आपका जूते का मोजा का साइज जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी क्या डिफरेंस, मतलब दोनों क्या होगा डिफरेंस होगा, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा समान होगा, उसको क्या बोलेंगे आइसोटोन्स बोलेंगे। अब समझो कैसे, देखो अब देखो यहाँ पर कार्बन सी 14 है और नाइट्रोजन क्या है 7 और क्या आपका 15 है, ऑक्सीजन आपका क्या है 8 और क्या है 16 है। अब देखो मोजा का संख्या भी क्या है डिफरेंस है, देखो सब डिफरेंस सब डिफरेंस, और टोपी की संख्या भी क्या है डिफरेंस है, देखो टोपी डिफरेंस है कि नहीं बताओ, टोपी भी डिफरेंस। चल ठीक है, जिसमें आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों डिफरेंस होगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा समान होगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देना है, इसका मतलब क्या करना है 14 माइनस क्या करना 6, तो बचेगा कितना बताओ, क्या बचेगा 8 बचेगा, फिर यहां से न्यूट्रॉन की संख्या निकालेगा तो 15 माइनस 7 क्या बचेगा 8, और इसको 16 माइनस 8 करेगा क्या होगा 8 होगा। इसका मतलब आइसोट्रॉन का मतलब है कि जिसका क्या होगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा समान होगा, उसको क्या बोलेंगे आइसोटोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे आइसोटोन बोलेंगे। तो आइसोटोन भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स उसको बोलते हैं जिसका सेम नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें समान होगा उसी को क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। कैसे देखो, अब देखो ये आपका क्या Na मतलब सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो बोलेगा 11। ठीक है चल ठीक, ये आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। चल ठीक है ठीक है। अब देखो प्लस का मतलब क्या किया, आपने में से एक डोनेट किया, एक प्लस है तो एक डोनेट किया, तो 11 में से एक डोनेट कर दिया तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 बचा, मतलब प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर प्रोटॉन कभी वेरी नहीं करता है, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही क्या होगा प्रोटॉन होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या होगा 11 होगा। फ्लोरीन में आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा 9 होगा, बट इलेक्ट्रॉन क्या करता है वेरी करता है, यदि प्लस रहेगा तो जितना प्लस रहेगा उतना घटाएंगे एटॉमिक नंबर में से, और जितना आपका माइनस रहेगा उतना क्या करेंगे ऐड करेंगे एटॉमिक नंबर में। तो यहाँ पर 11 होगी आपका एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एक प्लस है तो घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी 10, ये फ्लोरीन है तो एटॉमिक नंबर 9, एक माइनस है तो एक प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे और प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, तो 11 में से एक किया तो 10 और 9 प्लस एक क्या हो गया 10, तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो उसको क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। ठीक है, और आइसो डाइफर किसको बोलते हैं ये समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को घटाएंगे और उसका डिफरेंस क्या हो जाए सेम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे आइसो डाइफर बोलेंगे। ठीक है, अब चीजों को समझो, और सेम आइसोटोपिक एक्सेस। अब देखो एग्जांपल समझो, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो है 92 है और मास नंबर क्या है 235 है, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर कितना 231 है। अब देखो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, जो नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या हो गया 92 हो गया, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या कितना है बताओ तो 90 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब न्यूट्रॉन की संख्या को निकालेंगे तो बोले थे क्या सर से पैर को घटाना, मतलब ऊपर में से नीचे को घटाना है,
235 में से 92 को घटाएंगे तो न्यूटन की संख्या निकल जाएगा, न्यूटन की संख्या कितना हो गया 143, इससे इसको घटा लेंगे चुपचाप, 231 माइनस क्या हो जाएगा 90 हो गया, आपका न्यूटन की संख्या कितना हो गया 141 हो गया। अब देखो न्यूटन की संख्या निकल गया, प्रोटॉन की संख्या तो पहले निकाल भी किए, और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना, यदि दोनों का डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा आइसोडाइफर होगा, मतलब न्यूट्रॉन कितना 143 और प्रोटॉन कितना 92, इसको घटाएंगे तो क्या आया 51। फिर इसमें देखो आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितना 141 लिखेंगे, प्रोटॉन की संख्या कितना 90, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 51। इसका मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस यहां पर 51 और यहां पर भी क्या है 51। इस तरह के एलिमेंट को क्या बोलेंगे आइसोडाइफर बोलेंगे। अब स्टूडेंट अब तो समझ में आ गया होगा, अब एकदम पूरा समरी बताते हैं 5 मिनट में पूरा कंप्लीट, ठीक है। आइसोटोप किसको बोलेंगे, आइसोटोप उस तरह के एलिमेंट को बोलेंगे जिसका आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा और मास नंबर क्या होगा डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे आइसोटोप बोलेंगे, ठीक है। आइसोबार किसको बोलेंगे, जिसका आपका मास नंबर क्या होगा सेम होगा और आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे आइसोबार बोलेंगे। समझ में आ रहा बात, क्या बोला। आइसोटोन किसको बोलेंगे, जिसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा बराबर होगा और आपका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे आइसोटोन्स बोलेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसको क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। आइसोडाइफर किसको बोलेंगे, आइसोडाइफर उस तरह के एलिमेंट को बोलेंगे जिसमें प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा समान होगा, प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंस आएगा वो समान होगा, प्रोटोन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा समान होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग आइसोडाइफर बोलेंगे। तो इस तरह करके हम लोग क्या सीखे आज सीखे आइसोटोप किसको बोलते हैं, आइसोबार किसको बोलते हैं, आइसोटोन किसको बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलते हैं, आइसोडाइफर किसको बोलते हैं। तो आपको आपसे ये एग्जांपल दे देगा, अब बोलेगा कि ये क्या है, ये एग्जांपल दे देगा, एसएससी में पूछा गया है, ये एग्जांपल दे देगा और आपसे ऑप्शन दे देगा आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देख लेना कि यदि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मोजा का साइज सेम और आपका क्या हो गया टोपी का साइज क्या हो गया डिफरेंट, तो क्या बोलेंगे आइसोटोप, क्या बोलेंगे आइसोटोप आइसोबार। अब उल्टा टोपी का साइज सेम और मोजे का साइज क्या है डिफरेंस, इसका मतलब क्या बोलेंगे आइसोबार। आइसोटोन, आइसोटोन सीधे भाषा में समझो, टोपी का साइज में से मोजा का साइज को क्या करेंगे घटा देंगे। और सबका घटाने के बाद बराबर नंबर आ जाए तो हो जाएगा आपका आइसोटोन। समझ में आ रहा बात। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। और आइसोडाइफर किसको बोलेंगे, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटाएंगे और यदि सेम आ जाए दोनों कंडीशन में तो क्या होगा आइसोडाइफर होगा। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स हम पूरा आज कंप्लीट किए, आइसोटोप किसको बोलते हैं आइसोबार आइसोटोन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसोडाइफर। एसएससी सीजीएल में आने की संभावना 120% है, सीएचएसएल में आने की संभावना है, एमटीएस में आने की संभावना है, रेलवे में आने की संभावना है। यदि आपका साइंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना 110% है। आप यहां से क्या करो इस टॉपिक्स को क्लियर कर लो। थैंक यू स्टूडेंट। यदि स्टूडेंट कोई यदि चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।